तो आज हम आ गए जम्मू की हरी मार्केट में और आज मैं आया हूँ धर्मपाल अंकल जी के पास जो कि 78 ईयर ओल्ड हैं और बहुत ही मेहनत से यहाँ पे पनीर आलू की टिक्की और क्रीमी दही भले सर्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं अंकल जी से बात करते हैं और इनकी पनीर टिक्की टेस्ट करते हैं। अंकल जी नाम बता दीजिए अपने। धर्मपाल। कितना तो टाइम हो गया यहाँ पे आपको? हमें यहाँ 5 साल हो गए, पहले मंदिर के साथ करते थे। अच्छा। फिर हमें बैंक वाले यहाँ लाए। मैंने सुना कि यहाँ पे जो टिक्की है पनीर वाली बहुत मशहूर है यहाँ पे। जो भी है लोगों की मजा से होता है। ये हमारा तिमरू है और पुदीना, ये हमारी अमचूर की चटनी, ये तिमरू में डाल दिया। मिक्स कर देते दोनों? हाँ, दोनों मिक्स है। गुड़ की चटनी, प्योर गुड़ की चटनी है। ये चने हैं बिना लहसुन प्याज के, इसमें लहसुन प्याज नहीं है, नॉर्मल। ये मिल्क मेड है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और ये धनिया पत्ती, काली मिर्ची, जीरा, लौंग होते हैं ये इसमें आ गए, इसमें चटपटाई हो जाएगी। ज़्यादातर हमारी टिक्की जो पत्ते में चलती है, जो ऐसा पत्ता होता है ना, जो पत्ते में खाते हैं ना पुराने, वो खुश हो जाते हैं। दिल्ली वाले आगे पीछे यूपी जो भी है पत्ते में पसंद करें। अंकल जी आप अकेले काम करते हैं यहाँ पे? मैं अकेला करता हूँ। हम 15-20 किलो आलू की टिक्की बनाते हैं, जब ख़त्म हो जाए फिर बंद कर। ये जो मेरा आयला सूर्यमुखी सनफ्लावर, तो ये रिश्ते आलू टिक्की का यहाँ पे आलू रखा हुआ है। और अंकल जी पनीर कहाँ होता है? पनीर इसको जब सौंफ को पीसते हैं ना, उसमें ग्राइंडर में पनीर डालते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो टिक्की का साइज़ काफ़ी बड़ा है, जो नॉर्मल आप टिक्की खाते होंगे उनसे काफ़ी बड़ा साइज़ होते हैं। एक टिक्की के साथ पेड़ फूल। तो लोग ज़्यादा छोले साथ खाना पसंद करते हैं कि नॉर्मल टिक्की खाते हैं? चने, छोले के साथ। चने के साथ। तब इसे देख सकते हो हमारी गर्मा गर्म टिक्की यहाँ पर रेडी होती है, पनीर वाली टिक्की रहती है, आलू रहते हैं साथ में, और ये अरारोट का इस्तेमाल नहीं करते। तो देख सकते हो टिक्की एक साइड से बढ़िया से क्रिस्पी हो चुकी है, बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है। तो ये भाई आ गई इनकी पनीर वाली टिक्की, ये डल गए मसाले। तो फाइनली जम्मू की फेमस धर्मपाल जी की आलू पनीर की टिक्की यहाँ पे लग चुकी है। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से पत्तों में लगा के दिए, एकदम हरे हरे पत्ते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने इसमें छोले डाले हुए हैं, गुड़ की चटनी डाली हुई है, टिम्बर की चटनी डाली हुई है, दही डाला हुआ है, और बढ़िया सी टिक्की लगाई हुई है जो कि काफ़ी क्रिस्पी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो गर्मा गर्म टिक्की लग चुकी है। बात कर लीजिए इसके प्राइस की, 30 रुपीज़ का प्राइस रहता है। तो चलिए हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो धर्मपाल जी ने बहुत ही बढ़िया टिक्की बनाई है, आप यहाँ पे लाइन देख सकते हो, लोग लाइन लगा के खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद है। जैसे उन्होंने दुकान लगाई वैसे यहाँ पे ग्राहक आ गए, एकदम बढ़िया सी क्रिस्पी टिक्की है। तो इस टिक्की को खा के आपका एक प्लेट में ही पेट भर जाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट है। छोले और टिक्की का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, स्पेशली जो उन्होंने टिम्बर की चटनी डाली है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। अंकल जी टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 9:30 से लेके 2 बजे से पहले पहले। 2 बजे खत्म? बस खत्म। हफ्ते में कितने दिन लगाते हैं यहाँ पे? संडे को छुट्टी करता हूँ। हाँ, एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे आना हो। हरी मार्केट, FCI बैंक, धर्मपाल मेरा नाम है। ये मंदिर छोटा सा पीपल का पेड़ है, इसके नीचे खड़े हैं उनकी शॉप में। तो यहाँ पे आके इनकी आलू पनीर की टिक्की एक बार जरूर टेस्ट कीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए। ये इंडिया हाईली रिकमेंडेड है। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।